हेलो गाइस, इट्स ज्योति एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल ड्राइंग आप सबके लिए। तो यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हो, सुमित एज कृष्णा वाला ये रेफरेंस है एंड बहुत ही अच्छा सा रेफरेंस है जिसको आप सब भी बहुत ईजिली बना पाओगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो। ये पार्ट वन है, इसमें मैं आउटलाइन ड्राइंग सिखाने वाली हूँ बिल्कुल रेफरेंस की तरह कैसे करना है। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डोम्स ऑयल पेंसिल से कैसे कलर करना है वो मैं सिखाऊंगी। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बिल ताकि जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले या ना वीडियो देख सको। तो बिना देरी किए गाइस चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं ग्रिड ऐप ओपन कर ली हूँ एंड न्यू पर टैप करके सुमित एज कृष्णा वाला रेफरेंस हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन कैनवस पे जाकर जो भी हम पेपर साइज पे वर्क करने वाले हैं, मतलब कि आउटलाइन ड्राइंग करने वाले हैं, वो आपको पेपर साइज सेलेक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपको अपना पेपर साइज नहीं पता तो यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन है। सिंपली जो भी आप पेपर यूज कर रहे हो उसका साइज आप मेजर कर लो कितना है, देन यहाँ पे कस्टम पे जाकर फिल कर देना, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रिड रेडी हो जाएगा। मेरा यहाँ पेपर साइज है A4 साइज, तो यहाँ मैं A4 पे टैप कर लूंगी, क्लिक कर लूंगी। तो इस तरीके से मेरा A4 साइज के अकॉर्डिंग अभी ग्रिड रेडी होगा। देन यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे जितना एरिया हमको चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रही हूँ और बैकग्राउंड थोड़ा क्रिएट करने के लिए व्हाइट यहाँ पे मैं इस तरीके से बड़ा कर दी हूँ। ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि ग्रिड वाला ऑप्शन है एंड यहाँ पे जाकर जो हमारा बॉक्स साइज है, ग्रिड साइज है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ मैं करने वाली हूँ 1.5 सेंटीमीटर। बॉक्स साइज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, 1, 2, 3 कुछ भी। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड रेडी हो गया 1.5 सेंटीमीटर में। देन यहाँ मैं लेबल नंबर ऐड कर दी, उस तरीके से नंबर आ जाता है ग्रिड में। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा था। तो और जो लाइन है ना उसका मैं कलर ग्रीन कर दी क्योंकि वो तब विजिबल नहीं था व्हाइट। तो इस तरीके से रेडी हो गया, इसको सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद ये गैलरी में आ जाएगा, अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आउटलाइन ड्राइंग। तो यहाँ मैं पेपर यूज कर रही हूँ ब्रूस्टरो का पेपर, हेवी वेट मीडियम सरफेस A4 साइज का। और एक नॉर्मल सा स्केल ले लेंगे, एक पेन पेंसिल ले लेंगे या फिर नॉर्मल पेंसिल भी आप यूज कर सकते हो। अभी हम लोग ग्रिड बनाना स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल सा एक स्केल ले लेना है एंड इससे हम लोग 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से मार्क करना स्टार्ट करेंगे चारों ही साइड पे। 1.5 इसीलिए क्योंकि हमने बॉक्स साइज रखा था 1.5, तो जो भी आप बॉक्स साइज रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मार्क करना होगा। तो चारों ही साइड यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है 1.5 के डिस्टेंस पे। अभी हम बस इसको इस तरीके से स्ट्रेट मैच कर देंगे स्केल की हेल्प से, या सिंपली आपको डाउन से और लेफ्ट को राइट से इस तरीके से मैच करना है, बिल्कुल स्ट्रेट मैच कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड रेडी है। अभी आप रेफरेंस पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेबल नंबर दिखेगा, यानी कि नंबर दिखेगा, तो हमको भी इसी तरीके से कर लेना है। ऊपर की तरफ 14 तक हमको मार्क करना है क्योंकि 14 ग्रिड है, और नीचे की तरफ मार्क करना है 20 तक क्योंकि ये लंबा साइड है, तो यहाँ पे 20 ग्रिड है। तो इस तरीके से सारा कुछ रेडी है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये नंबर जो हमने मेंशन करा है इसका यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं टीका वाला पार्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि 6-8 पे है, यानी कि जो 6-8 है 6 ऊपर से एंड 8 जो है वो नीचे का है। इसको हम फाइंड कर लेंगे अपने ड्राइंग शीट पे एंड जहाँ पे भी ये 6-8 हमको मिल जाएगा वहीं पे वो टीका वाला पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप लेवल नंबर की हेल्प से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे क्या है। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं आउटलाइन ड्राइंग। तो यहाँ मैं टीका वाले पार्ट से अगेन स्टार्ट करी हूँ जो कि 6-8 पे था। एंड सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है कि ऑब्जर्व करना है एंड एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में काम करते जाना है, और हो सके तो बहुत लाइटली काम करना क्योंकि गड़बड़ होगा तो इरेज करना पड़ेगा, और अगर आप लाइटली काम करोगे तो बहुत ईजिली इरेज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा लाइटली काम करना एंड हल्का हल्का काम करना, देन जब आपको लगे कि हाँ ये सही बना, देन आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर के साथ या फिर जो भी डिटेलिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। तो मैं कुछ इसी तरीके से करती हूँ, पहले मैं लाइटली काम करती हूँ, देन मुझे लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है तो उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो धीरे धीरे बस लेवल नंबर की हेल्प से फाइंड आउट करना है कहाँ पे क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ बनेगा, एंड उसकी हेल्प से धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करो किस तरीके से एक ग्रिड में कैसे होते हुए आउटलाइन आ रहा है, तो आप बहुत आराम से कर पाओगे। बस यहाँ पे आपको ना ऑब्जर्व करना आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। साथ में अगर आप ये 1.5 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में काम नहीं कर पा रहे हो तो आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, उसमें आप आसानी से कर पाओगे। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। अभी ऑलमोस्ट फेस पार्ट कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे हम और ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। एंड वीडियो अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख लेना, ऑप्शन होता है ऊपर, उस पर स्लो करके आप बहुत ईजिली समझ पाओगे। या फिर आप करना क्या कि एक बार पूरा वीडियो देखो लास्ट तक एंड सेकेंड टाइम में वीडियो को पूरा स्लो करके देखना एंड साथ में खुद भी ऑब्जर्व करके ट्राई करना बनाने का, तब और भी अच्छा बनेगा।
ये पार्ट वन था, इसमें हम लोग आउटलाइन ड्राइंग सीखे हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कलर करना सिखाऊंगी, जो कि ऑयल पिस्टल से सिखाने वाली हूँ, डोम्स ऑयल पिस्टल से, जो कि बहुत लाइक सस्ता वाला है एंड हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो आप सब बहुत ईजिली सीख भी पाओगे। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग बना सके, सीख सके। एंड मैं मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट पार्ट में, अभी कुछ इसमें है नहीं बताने का, बिल्कुल सिमिलर है एंड बस आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कैसे कैसे आ रहा है ग्रेड में एंड उसे ही ऑब्जर्व करते हुए आपको काम करना होगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, आप वीडियो पूरा देखो एंड एंजॉय करो।